प्रतापगढ़ जिला, यह जिला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक प्रतापगढ़ जिला के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिम से दक्षिण भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों के साथ जुड़ती है। इस जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस प्रतापगढ़ शहर में मौजूद है और प्रतापगढ़ जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। बात करें पड़ोसी जिला की तो प्रतापगढ़ जिला के कुल 7 पड़ोसी जिला हैं, जिनके नाम हैं रायबरेली जिला, फतेहपुर जिला, सुल्तानपुर जिला, कौशाम्बी जिला, प्रयागराज जिला, अमेठी जिला और जौनपुर जिला। प्रतापगढ़ जिला में 5 तहसील, 17 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 22 पुलिस स्टेशन, 9 नगर निगम और 2265 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 3730 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिला की कुल आबादी 32,09,141 है। इस 32,09,000 में पुरुषों की कुल आबादी 16,06,000 और महिला की कुल आबादी 16,03,000 है। प्रतापगढ़ जिला में हिंदू धर्म की कुल आबादी 85% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 14% है। प्रतापगढ़ जिला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 151 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 694 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क मार्ग की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला में कई ऐसे बड़े बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 56, नेशनल हाईवे संख्या 96, नेशनल हाईवे संख्या 231 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला के साथ साथ जिला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 3 प्लेटफॉर्म तथा 5 ट्रैक शामिल है। इसका स्टेशन कोड PBH है और प्रतापगढ़ जंक्शन वाराणसी रायबरेली लाइन, फैजाबाद सुल्तानपुर लाइन, प्रतापगढ़ प्रयागराज लाइन पर स्थित है और यह जंक्शन नॉर्थन रेलवे जोन के लखनऊ NR डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस जिला में कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पर टूरिस्ट घूमकर आनंद उठा सकते हैं। इस जिले के मुख्य पर्यटन स्थल के नाम शनिदेव मंदिर, बाला देवी मंदिर, भक्ति धाम, गुमेश्वरनाथ धाम, प्रताप कुंड और लालगंज अजहरा आदि नामों से लोग काफी वाकिफ हैं। शिक्षा की बात करें तो इस जिले की साक्षरता दर 73% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 73% लोग पढ़े लिखे हैं। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम प्रताप बहादुर PG कॉलेज, प्रताप बहादुर इंटरमीडिएट कॉलेज, MBPH कॉलेज, अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज, सरोजनी इंटर कॉलेज, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं।